देश में कोरोना कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। नेता हो या अभिनेता, गरीब हो या वीवीआईपी, कोरोना की चपेट में आने वालों की फहरिस्त में सभी लोग शामिल हैं। अब इस सूची में एक नया नाम जुड़ गया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर पर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे, टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट में लिखा कि मैं कोविड-19 की सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहा हूं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन करूंगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें, जरा सी भी असावधानी कोरोना को निमंत्रण दे रही है। मैंने कोरोना से बचने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन अनेक विषयों को लेकर लोग मिलते रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोविड-19 का समय पर इलाज होता है तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं 25 मार्च से प्रत्येक शाम को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक करता रहा हूं। मैं यथासंभव अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा। सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने अपील कर लोगों को सतर्क रहने की और इस महामारी से लड़ने की बात कही है। कैसे लगे आपको ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश दुनिया की अन्य बड़ी और रोचक खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें तरकश।